गुप्त सूचना के आधार पर पाचपौली पुलिस ने तड़ीपार आरोपी 28 वर्षीय मोहम्मद नदीम उर्फ शानू बली को देसी कट्टे के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी पर विभिन्न पुलिस स्टेशनों में धोखाधड़ी और अवैध हथियार रखने के कानून के तहत मामला दर्ज है। शहर की पुलिस अब एक्शन मोड में दिख रही है। कई मामलों में फरार आरोपी मोहम्मद नदीम उर्फ शानू बली को पाचपौली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पास से एक देसी कट्टा मिला है। पुलिस ने जानकारी दी कि उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि आरोपी स्पोर्ट ग्राउंड के पीछे अपने किसी परिजन से मिलने आ रहा है, जिसके बाद पुलिस ने ट्रैप लगाया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। तो सुबह हमेशा के जैसा जो पाए गुनेगार फरार गुनेगार को ढूंढ रहे थे, ढूंढते हुए पेट्रोलिंग करते हुए तो डीबी के साथ में डीबी को खबर मिली है कि फरार आरोपी है मोहम्मद नदीम उर्फ शानू, आशीनगर में रहने वाला। वो आशीनगर ग्राउंड के बाजू में आने वाला है और ब्लैक टी शर्ट ब्लैक लोअर लगा के है, उसके साथ में कमर में पिस्टल है, ऐसी खबर मिली थी। तो उसका हमारी गाड़ियाँ दूर रख के हम छुप के रहे थे। जिस तरह वो खबर मिली थी, खबर के हिसाब से वो आदमी मिला तो उसको पकड़ लिए। उसको कमर में एक पिस्टल मिली थी, वो बेलतरुड़ी और गणेशपेट के गुने में भी वो वांटेड था। तो उसके ऊपर पिस्टल रिकवरी करके पंच के सामने जब्त किए और 325 का गुना दाखिल कर दिए। और ये मार्गदर्शन हमारा पुलिस आयुक्त साहब, सहायक मैडम और रीजन सर, डीसीपी सर, एसीपी मैडम, उनके मार्गदर्शन में एक मेरी डीबी ने कार्रवाई की है और आरोपी को आगे की कार्रवाई के लिए पीसीआर भेज रहा हूँ। छूट मूट अपराधी शहर में घूमने लगे हैं। पुलिस ने इस तरह की कार्रवाई को अंजाम देकर इन अपराधियों को और अपराध में काबू पाना चाहिए। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ प्रकाश शुंकलवार की रिपोर्ट।